हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरयूसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सभी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम 2021 के पैटर्न पर आधारित हैं और ये प्रश्न पूर्व एग्जाम में भी आए हुए हैं। प्रश्न बैंक का एक सॉल्यूशन है जो कि आपको 2021 के लिए निर्धारित किया गया है। तो फर्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया तथा 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। मतलब 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दो कार्य बताने हैं या दो उद्देश्य हम बोल सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को व्यवस्था करना या स्थापित करना और राष्ट्रों के बीच आपसी मतभेद को शांतिपूर्ण ढंग से समझ सुलझाना या समझ खत्म करना, ये जो है मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, जैसा कि आप दोनों प्रश्नों को स्क्रीन में देख रहे हैं, थर्ड और फोर्थ जो हैं आपके कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो विशिष्ट अभिकरणों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दो विशिष्ट अभिकरणों के नाम हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं चार प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्य अंग हैं उनके नाम लिखने हैं या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के दो प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। इस तरीके से प्रश्न आता है और ये पेपर में देख सकते हैं आप कितनी बार आया हुआ है। तो सुरक्षा परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के अंटोनियो मैनुएल दे ओलिवेरा गुटेरस हैं। अगर आप गुटेरस भी लिख देते हैं तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है? या फिर AM और DA जो भी है, AMDA गुटेरस। इन्होंने 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव के रूप में पद संभाला है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या बतानी है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश कितने हैं और अस्थायी सदस्य देश कितने हैं। इसलिए फ्रेंड आप इसको अच्छे से जरूर याद कर लें। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। यह UNO का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। परिषद का प्रमुख कार्य विश्व शांति स्थापित करना है। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? तो इसका भी आंसर लिखा हुआ है फ्रेंड, महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद के कार्य निम्न है। सुरक्षा परिषद विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, मतलब इसका कार्य है सुरक्षा को स्थापित करना। दूसरा पॉइंट है इसमें, यह परिषद विश्व के किसी भी देश से संबंधित झगड़े या विवादों के समाधान हेतु परिषद में विचार विमर्श के माध्यम से निर्णय ले सकती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न रहेगा जो कि 2017 में आया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किन्हीं चार स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखें। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हूँ। सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 1966 से 15 सदस्य हैं जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के दो गैर यूरोपियन स्थायी सदस्य देशों के नाम बताओ। तो दो गैर यूरोपियन हैं अमेरिका और चीन। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, 2018 का आया हुआ है, सुरक्षा परिषद के दो एशियाई स्थायी सदस्य देश का नाम उल्लेख करना है। तो रूस और चीन सुरक्षा परिषद के दो एशियाई स्थायी सदस्य हैं। रूस वर्ष 1991 में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना जबकि चीन 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना किस प्रकार होती है? इसका मुख्यालय कहाँ है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो फ्रेंड 15 न्यायाधीश हैं जिनका चुनाव 9 वर्षों के लिए आमसभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत नहीं होने पर सभापति का निर्णायक मत मान्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, 13वां प्रश्न, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों तथा एजेंसियों का विस्तृत रूप लिखिए। तो यूनेस्को, OPW, UNRISD, WMD और UNSCR। अब इनके जो है उत्तर लिखने हैं। तो
यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। OPCW लिखा हुआ है, रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन फॉर केमिकल वेपन्स। फिर है UNRISD, सामाजिक विकास के लिए शोध और प्रशिक्षण संस्थान, यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट। और फिर है WMD, व्यापक जनसंहार के हथियार, वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन। और UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग कार्यालय। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आप देख रहे हैं स्क्रीन में कितनी बार आया हुआ है, लघु उत्तरी प्रश्न रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य विश्व युद्ध जैसी विभीषिका को भविष्य में न होने देना था, मतलब जो विश्व युद्ध हुए थे उसके बाद ही जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका लक्ष्य रखा गया कि इसका जो कार्य है, मुख्य कार्य, कि ऐसी स्थिति दोबारा न बनने दें, मतलब अगर बन रही है तो उसको खत्म करें। दूसरा पॉइंट है, विश्व के विभिन्न देशों के आपसी मतभेद एवं विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाने में सहयोग करने के लिए युद्ध होने की स्थिति में युद्ध के प्रभाव को कम करना इसके स्थापना के उद्देश्यों में शामिल है। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने तथा विश्व के विभिन्न देशों को एक मंच पर लाना भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा इसमें प्रश्न पॉइंट है, समस्त मानव जाति के अधिकार का सम्मान करना। नेक्स्ट जो प्रश्न देख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और 2020 में भी आया हुआ है, एक सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का आकलन कीजिए। तो फ्रेंड इसका आंसर जो है लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट प्रश्न जो चौथा प्रश्न है, ये भी 2020 का आया हुआ है, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो इसका आंसर भी इसमें लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ओके फ्रेंड्स, तो और पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सुरक्षा परिषद के क्या कार्य होंगे, विश्व में सुरक्षा की स्थापना करना, मतलब एक दूसरे देश जो है दूसरे देश की सुरक्षा का सम्मान करें, इस तरीके से जो है इसका आंसर बनेगा। सुरक्षा परिषद के कार्य लिखे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवाद के कारणों की जांच करना और उसके निराकरण के शांतिपूर्ण समाधान के उपाय खोजना, युद्ध को तत्काल बंद करने के लिए आर्थिक सहायता को रोकना और सैन्य शक्ति का प्रयोग करना, अपनी वार्षिक तथा अन्य रिपोर्टों को महासभा के पटल पर रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को विश्व में शांति स्थापित करने के लिए असीम अधिकार प्राप्त है, जिसका इस संगठन ने कई बार सदुपयोग भी किया है। तो ये है महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप जो है इन अच्छे प्रश्नों के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।